इस वीडियो में बच्चों हम चैप्टर नंबर 4 आपका जो द फर्स्ट सिविलाइजेशन इन इंडिया इसके क्वेश्चन आंसर मार्क कराएंगे आपको, तो पॉज करके या आराम से इसको मार्क कर लीजिएगा आपकी बुक में और नोटबुक में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो हमारे जो क्वेश्चन आंसर हैं डी वाले बैक एक्सरसाइज हमने ऑलरेडी करा दिया था, आपको खुद से बन गया था, आप लोगों ने खुद ने कर लिया था क्लास में। अब हम बात करेंगे आपका क्वेश्चन आंसर का। तो देखिए डी क्वेश्चन आंसर जो 10 to 20 वर्ड्स है, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सिविलाइजेशन, इसका आंसर पेज नंबर 22 यहाँ मार्क कर लीजिएगा। हर क्वेश्चन आंसर में आपको पेज नंबर लिखाएंगे, ठीक है, उसको यहाँ लिख लीजिएगा ताकि आपको आंसर फाइंड करने में आसानी जाए, और फिर वहाँ मार्क करके फिर आप लिख लीजिएगा नोट। पेज नंबर 22 पर आ जाइए, पेज नंबर 22 हम निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए ये वाला पैराग्राफ जो सिविलाइजेशन पूछा हुआ, हमने एक्सप्लेन किया था सिविलाइजेशन क्या है, उसी के बारे में हम कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ से वंश से लेके सरप्लस तक मार्क कर लीजिए, और दूसरा पॉइंट आपका प्यूपल से लेके सिविलाइजेशन यहाँ तक, ये यह आपका D1 यहाँ लिख लीजिएगा एज इट इज़, ठीक है, ये दो पॉइंट्स में आपका आंसर हो गया। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन हमारा है विच इज़ द फर्स्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, वाई इज़ इट कॉल्ड सो। तो फर्स्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया कौन सा है और उसको ऐसा क्यों कहते हैं, तो देखिए हम जानते सभी इंदस वैली सिविलाइजेशन है, तो इसको लिख लीजिएगा आप आंसर। यहाँ हमने लिखा हुआ इंदस वैली सिविलाइजेशन इज द फर्स्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, यहाँ तक हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब पूछा हुआ वाई इज इट कॉल्ड सो, तो इसका पेज नंबर 31 लिख लीजिएगा, हम यहाँ लिखना भूल गए, पेज नंबर 31 यानी ये ब्लैंक स्पेस दिया हुआ यहाँ हमने लिख दिया है, तो इसको लिख लीजिएगा आप। इट वॉज कॉल्ड सो बिकॉज, ऐसे इसलिए कहा जाता था क्योंकि इट फ्लरिश्ड अंडर द रिवर इंदस, क्योंकि ये इंदस नदी के आसपास ही इसका फ्लरिशमेंट हुआ, ठीक है, तैयार हुई। देन नंबर 3 नेम ऑफ फ्यू सिटीज ऑफ द इंदस वैली सिविलाइजेशन, तो यही जो इंदस वैली सिविलाइजेशन है जिसको फर्स्ट सिविलाइजेशन कहते हैं, ठीक है, हमारी कंट्री का, तो इसके कुछ सिटीज बताने, तो पेज नंबर 24 लिख लीजिए, और पेज नंबर 24 हम निकाल लेते हैं, ये रहे D3, ठीक है। तो ये जो बोल्ड में दिख रहा आपको चानुदारो, यहाँ से अंडरलाइन करिए, चानुदारो से लेके आपका इन गुजरात तक, यहाँ तक आपके हो गया D3, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 नेम अ फ्यू ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल ऑफ द इंदस वैली सिविलाइजेशन, उनके ऑक्यूपेशंस क्या थे वो बताने, पेज नंबर 31 इसको हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा, पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देखिए आसानी से दिख रहा होगा आपको। एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, मेकिंग ब्रॉन्ज फिगरेंस, मेकिंग ऑर्नामेंट्स, बीड मेकिंग, क्लोथ वीविंग, पॉटरी एंड ट्रेड, ठीक है, फुल स्टॉप यहाँ पर ट्रेड के बाद यहाँ तक इतने यहाँ से। देन D5 क्या बोला हुआ, लिस्ट अ 3 फीचर्स ऑफ द इंदस वैली सिविलाइजेशन, अब इसी इंदस वैली सिविलाइजेशन की 3 विशेषताएं क्वालिटीज बतानी है, तो क्या लिखेंगे हम, द 3 फीचर्स ऑफ द इंदस वैली सिविलाइजेशन आर, क्वेश्चन से लिख लिया, ठीक है, आर लगाया, इसके बाद पेज नंबर 31 लिख लीजिए, पेज नंबर 31 में जहाँ जगह है वहाँ लिख लीजिए आपकी बुक में। देयर डिस्टिंग्विश्ड टाउन प्लानिंग, ठीक है, उनका टाउन का जो प्लानिंग करने का तरीका था वो था एक फीचर स्पेशलिटी, आर्ट एंड क्राफ्ट भी उनकी स्पेशलिटी थी, और पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, ठीक है, ये हो गए, तो ये पॉइंट हो गया। देन हम आते हैं ई पर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 50 to 70 वर्ड्स। फर्स्ट देखिए डिस्क्राइब द टाउन प्लानिंग ऑफ हरप्पन सिटीज, तो हरप्पन सिटीज की जो टाउन प्लानिंग थी उसके बारे में लिखना है, पेज नंबर 24-25, तो 24 पर आ जाते हैं, ये रहा, ठीक है, ई1, तो फर्स्ट लाइन आप एज इट इज लिख देंगे जो हमने लिखी हुई यहाँ से, दा से लेके टाउन प्लानिंग। अब ध्यान से सुनिएगा, अब डालेंगे आप फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट डालने के बाद ये जो लिखा हुआ बोल्ड में सिटाडल ये लिखेंगे, इसके अंदर ही आगे कंटिन्यू करेंगे पॉइंट, क्या है, टू द वेस्ट ऑफ ईच वॉज द सिटाडल फोर्टिफाइड बाय क्रेनेलेटेड वॉल्स। सिटाडल आप समझते हैं जैसे किले वगैरह की आपने दीवारें देखी होंगी, उसमें कुछ गैप रहता है ताकि हम फायर वगैरह कर सकें, तोप वगैरह चला सकें, वैसे, ठीक है, झांसी की रानी में आपने देखा होगा। इसी के बाद यहाँ से आगे ही लिखिएगा, इट वॉज पॉसिबली ऑक्यूपाइड बाय द मेंबर्स ऑफ द रूलिंग क्लास, और ये आपको मालूम ये किसके पास रहता था, जो क्लास रूल किया करती थी, यानी राजा महाराजाओं के पास में, ठीक है, बड़े लोगों में। देन सेकंड पॉइंट डालेंगे आप ग्रिड सिस्टम, ग्रिड सिस्टम में यहाँ से लेके यहाँ तक पॉइंट लिखेंगे, ये मार्क कर लीजिए, ठीक है। देन आपका नंबर हेडिंग डालेंगे नंबर 3rd पॉइंट ड्रेनेज सिस्टम, उसमें लिखेंगे आप द ड्रेनेज सिस्टम से लेके नेक्स्ट पेज में यहाँ आपका मैन होल्स तक, ठीक है, ये हो गया आपका कौन सा ई का 1 आंसर, यहाँ से दिखा दिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट
हमारा E2 क्वेश्चन जो है, एक्सप्लेन हाउ आर्ट एंड क्राफ्ट वॉज एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसको लिख लीजिए पेज नंबर 26, 27। तो 26 पर आ जाते हैं आपका E2, ठीक है, 26, 27। तो ये रहा आपका E2 में, आर्ट एंड क्राफ्ट में। देखिए फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे वी फाइंड से लेके सिविलाइजेशन तक, ये लिखा हमने E2, ठीक है, ऐसे लिख लीजिएगा। सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे यहाँ से द पीपल से लेके फिगरेंस तक। थर्ड पॉइंट यहाँ पर ऑर्नामेंट्स के बारे में लिखेंगे आप, ठीक है, ये लिखा है द हरप्पन पीपल आल्सो एट द नॉलेज ऑफ मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। फिर ये बीच का कट कर दीजिए, गोल्ड एंड सिल्वर के बाद जस्ट आप आगे आ जाएंगे कहाँ पर, टू मेक ऑर्नामेंट्स लाइक बीड्स पेंडेंट्स आर्मलेट्स ब्रूचेस एंड ब्रेसलेट्स। इसके बाद फोर्थ पॉइंट सील के बारे में, द मोस्ट नोटेबल आर्टिस्टिक अचीवमेंट ऑफ द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज परहैप्स इन देयर सील इंग्रेविंग्स स्पेशली दोज ऑफ एनिमल्स विच लुक्ड वेरी रियलिस्टिक। और लास्ट पॉइंट इसी में आपका ये रहा 27 पेज पर, क्लोथ वीविंग एंड पॉटरी मेकिंग वर इम्पॉर्टेंट क्राफ्ट। यही लिखना था हमको आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में, ठीक है, ये 5 पॉइंट हो गए। देन इसके बाद हम आते हैं 3 क्वेश्चन ई का। गिव वन डिस्टिंग्विशिंग फीचर ईच ऑफ मोहनजोदारो हरप्पा लोथल एंड कालीबंगल। तो ये जो सिटीज दिए हुए इनके स्पेशलिटीज लिखनी है, एक एक डिस्टिंग अलग अलग अंतर जो है डिस्टिंग्विशन। पेज नंबर 25 पर हम आ जाते हैं। पेज नंबर 25 पर ये रहा आपका E3। यहाँ से फर्स्ट पॉइंट ऑफ मोहनजोदारो के बारे में लिखेंगे, तो मोहनजोदारो आप हाईलाइटेड कर दीजिएगा फर्स्ट पॉइंट डाल के, और फिर आप यहाँ से लिखेंगे, देखिए द ग्रेट बाथ एट मोहनजोदारो अपीयर्स, ये इट कार्ड दीजिएगा, अपीयर्स टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिक प्लेसेस, यहाँ तक ड्रेन तक, ठीक है। फिर सेकेंड पॉइंट आप डालेंगे बोल्ड में हरप्पा, तो हरप्पा में लिखेंगे कहाँ से, इन द सिटेडल एट हरप्पा वी फाइंड एज मैनी एज 6 ग्रेनरीज। नंबर थर्ड डालेंगे लोथल, लोथल में आप ब्रिक डॉकयार्ड से लेके इंडस वैली सिविलाइजेशन, यहाँ तक लिखेंगे। फिर नंबर फोर्थ पॉइंट डालेंगे हाईलाइटेड में कालीबंगन, और इसमें लिखेंगे यहाँ से एट कालीबंगन एंड आल्सो एट लोथल फायर अल्टर्स हैव बीन फाउंड विच इंडिकेट डेट सम काइंड ऑफ सेक्रीफाइस वॉज परफॉर्म हियर। ये हो गया आपका E3। देन क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ द हरप्पन पीपल। पेज नंबर 27 पर देखते हैं, ये रहा रिलीजियस प्रैक्टिसेस, यहाँ E4 डाल लीजिए। फर्स्ट पॉइंट न्यूमरस से लेके मदर गॉडेस तक, सेकंड पॉइंट पीपल से लेके गॉडेस तक, थर्ड पॉइंट द पीपल ट्री से लेके सील्स तक, फोर्थ पॉइंट आपका द मोस्ट स्ट्राइकिंग डेटी यानी देवी से लेके सील्स तक, और फिफ्थ पॉइंट ही इज सराउंडेड से लेके वर्शिप। ये हो गया आपका E4, ठीक है। देन आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, मेंशन ब्रीफली द सजेस्टेड कॉजेज बिहाइंड द डेक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। यानी वो जो सजेस्टेड जो कारण है जिनके कारण माना जाता है कि इंडस वैली सभ्यता जो है डेक्लाइन होगी, समाप्त हो गई, वो बताने। तो पेज नंबर 28 पर आ जाते हैं। पेज नंबर 28 पर हम देखते हैं ये रहा, देखिए मिस्ट्री ऑफ द डेक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन। तो यहाँ से मार्क कीजिएगा वी से, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, वी सी से लेके अर्लियर टाइम तक फर्स्ट पॉइंट, सेकंड इट इज सजेस्टेड से लेके पॉपुलेशन तक, थर्ड पॉइंट सम पीपल, यहाँ पॉज करके मार्क कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ सिविलाइजेशन तक, फोर्थ पॉइंट अदर्स से लेके वंश तक, और फिफ्थ पॉइंट आपका सम स्कॉलर्स से लेके एरिया तक, ठीक है, ये ओवरऑल भी दिखा देते हैं आपको यहाँ से। इस तरीके से आपका E5 भी मार्क हो गया। देन F पर आ जाइए, F पर F के जो क्वेश्चन है 80-100 वर्ड्स में, एक्सप्लेन इन ओन वर्ड्स अबाउट द क्लास डिफरेंसेस एंड लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। पेज नंबर 27 ये पूरा पैराग्राफ क्लास डिफरेंसेस वाला लिख दीजिएगा एज इट इज, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन F2, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये सेम है आपका जो E1 में आपने जो लिखा था, ठीक है, वही बोला हुआ है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के फीचर्स बताएंगे, या फिर आप पहला जो शहर जिसको हरप्पन के नाम से भी जानते हैं उसकी प्लानिंग, तो वही सब चीज़ें आ जाएंगी। इसलिए यहाँ बस सेम एस E1, नो नीड टू राइट इन योर CW कॉपी, ठीक है, इसको इतना ही रहने दीजिएगा। तो ये चैप्टर का हमने करा दिया, अब आगे से हम कोशिश करेंगे आपको इस तरीके से ही क्वेश्चन आंसर मार्क कराएं, क्योंकि आप बड़े बच्चे हैं तो आप इजिली कर लेंगे, बुक सभी के पास है, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से साथ में मार्क करते जाइए, कोई टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, फिर आपकी नोटबुक में लिख लीजिएगा ताकि आपको फाइंड करने के लिए भी कोई प्रॉब्लम ना हो।
और ठीक है, ओके, थैंक यू।